हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फैशन ब्लॉगिफाई विद प्रियंका। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट नेक पैटर्न के बारे में बताऊंगी। और नेक पैटर्न पे ना मैंने पहले भी एक वीडियो शूट किया हुआ है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसे आप चेक कर सकते हैं। नेक पैटर्न पे ये मेरा दूसरा वीडियो है, नेक पैटर्न पार्ट टू है। तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि ये जो नेक पैटर्न वाला इशू है ना, ये हम लेडीज का जब स्टिचिंग की बात आती है तो सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि हम उस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सी ड्रेस पे कौन सा नेक पैटर्न चाहिए होता है, कौन सा ट्रेंडिंग है, कौन सा ट्रेंड में नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं। तो आज के वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगी कि इनमें से जो कुछ कन्फ्यूज़न है ना, उनको मैं सॉल्व कर सकूँ। तो जो सबसे पहला नेक पैटर्न है वो है एसिमेट्रिकल नेक पैटर्न। एसिमेट्रिकल नेक पैटर्न ना बहुत अच्छा होता है, बहुत ही स्टाइलिश नेक पैटर्न है। और अगर आप एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ पर्सन हैं और आपको मतलब थोड़ा सा अपीलिंग चाहिए होता है अपनी ड्रेस में, तो आप इस नेक पैटर्न को ट्राई कर सकती हैं। ये नेक पैटर्न गाउन पे और टॉप पे बहुत अच्छा लगता है। इसे हम कहते हैं स्क्वायर नेक पैटर्न। अगर आप कोई वन पीस ड्रेस बना रही है ना, तो आप इस नेक पैटर्न को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थर्ड वन इज़ योर स्वीट हार्ट नेक पैटर्न। और स्वीट हार्ट नेक पैटर्न ना बहुत ही ट्रेंडिंग में है। आप मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था शायद कि जब भी आप किसी फैशन शो को देखिएगा, तो मोस्टली जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनके जो लहंगे का ब्लाउज होता है, उनके गले में स्वीट हार्ट पैटर्न होता है। तो बेसिकली हम ब्राइडल लहंगे का जो ब्लाउज बनाते हैं ना, उसमें स्वीट हार्ट पैटर्न डालते हैं, जो इससे ब्राइडल लहंगे का जो ब्लाउज होता है ना, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और उसका जो वर्क आता है ना, वो भी बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही खुल के आता है, बहुत ही उभर के वर्क आता है। दिस इज योर बोट नेक। तो अगर आप कुर्ती स्टिच कराने जा रही हैं ना, तो बिना सोचे, बिना कोई चांस लिए आप आंखें बंद करके बिल्कुल बोट नेक ट्राई कीजिए। ये इतना अच्छा नेक पैटर्न है ना, ये बहुत ही स्मार्ट लुक देता है, बहुत सिंपल के साथ एक एलिगेंट लुक देता है। और आप इसे कॉलेज में पहन के जा सकती हैं, आप इसे मार्केट एरिया भी पहन के जा सकती हैं, आप इसे किसी हल्के फुल्के गेट टुगेदर या किसी पार्टी में भी पहन के जा सकती हैं। तो बोट नेक ना कुर्तियों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन नेक। तो अगर आप नेट की ब्लाउज स्टिच करा रही है ना, तो आप इस नेक पैटर्न को ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। दिस इज कॉल्ड योर की होल नेक। तो अगर आपको अपनी ड्रेस में सिंप्लिसिटी के साथ साथ कुछ स्टाइल का तड़का लगाना हो ना, तो की होल नेक इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड लास्ट दिस इज वी पैटर्न, और ये मेरा फेवरेट नेक पैटर्न है। तो मोस्टली मैंने अपने ज़्यादातर ब्लाउजेज में और अपने सूट्स में मैंने इस नेक पैटर्न को ट्राई किया है। ये कभी भी ट्रेंड से बाहर नहीं जाते हैं, आप हमेशा इनको ट्रेंड में पाइएगा। और वी नेक पैटर्न तो बहुत ही अच्छा लगता है, ब्राइडल लहंगे के ब्लाउजेस पे भी बहुत अच्छा लगता है, सूट्स पे भी बहुत अच्छा लगता है, गाउन पे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप किसी भी ड्रेस के साथ इस नेक पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो ऐसे ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन, बाय बाय।